हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा रेसिपी है बहुत ही बढ़िया, जो है गोलो डाइट पे। गोलो डाइट है बेसिकली ऐसा डाइट जिसमें हम इम्प्रूव करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस पावर। इससे बेसिकली होगा क्या, सिंपल लैंग्वेज में वेट लॉस करने में बहुत ही अमेजिंग है ये रेसिपी, जिससे कि हमारा इंसुलिन लेवल हाई होगा, रिच इन एनर्जी होगा, लेस इन कैलोरीज होगा, वेजिटेबल्स से भरा होगा एंड बहुत ही मज़ेदार होगा। बनेगा ओट्स के साथ, क्योंकि ओट्स ऐसा ग्रेन है जिसे आप जब कंज्यूम करते हैं तो इससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है और साथ के साथ ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, तो आज ये खा के हमें मजा आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? वेलकम टू माय चैनल सिल्वी कुक्स, और आज मैं लेके आई एक और बहुत ही बढ़िया सा रेसिपी आप सबके लिए लेके। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा आज का वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं आज का रेसिपी। इस रेसिपी की शुरुआत होती है कि हमने चीला, या हम अगर लैंग्वेज में कहें पैनकेक की तैयारी के लिए, मैंने लिए है 3 बड़े चम्मच ओट्स, 2 चम्मच सूजी, थोड़ा धनिया पत्ता कटा हुआ, 3 बड़े चम्मच दही, 1 प्याज कटा हुआ, थोड़े से मटर, थोड़ी सी बीन्स, 1 हरी मिर्च, थोड़ी सी गाजर, साथ में थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक कटा हुआ। साथ में जाएंगे कुछ मसाले जैसे कि नमक स्वादानुसार, हींग, खाने वाला सोडा, अजवाइन, चाट मसाला, हल्दी, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। बहुत ही यमी ये बनता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस और यमी दोनों रहेगा। साथ में ही मैंने डाला है थोड़ा सा मेथी काट के, इसे और न्यूट्रिशियस और टेस्टी बना देगा ये। इसके बाद हमें अच्छे से मिलाना है, पानी एज रिक्वायर्ड डलेगा। मैंने तकरीबन 1/3 से लेके 1/2 कप के करीब आपका पानी डल जाएगा। कंसिस्टेंसी मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी कि कैसी रहनी चाहिए। बस इसे फिर रख के हमने थोड़ा सा इसे करना है ब्लेंड। हमने बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, लेकिन हम इसे ब्लेंड करने के बाद हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10 से 15 मिनट, ताकि अच्छे से फूल जाए सूजी भी और ओट्स भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए बैटर एकदम 10 से 15 मिनट के बाद बिल्कुल रेडी है। इसके बाद में हमने सिर्फ और सिर्फ एक पैन में 1 चम्मच ऑयल डाला है। आप अपनी मनपसंद से कोई भी ऑयल ले सकते हैं। 1 लेयर मैंने पतला सा दिया है इस चीले का, इसे हल्का सा दबा के, अभी हम छेड़ेंगे नहीं, इसे कम से कम स्लो टू हाई सेक पे मैंने ढक के कम से कम 3 से 4 मिनट पकाना है। फिर इसे टर्न करने के लिए मैंने आपको दिखाया है वीडियो में कैसे टर्न करेंगे। इसे टर्न करने के बाद दोनों तरफ से क्रिस्पी करेंगे और इसे मनपसंद की चटनी के साथ करेंगे सर्व। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो देख के पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फ्रॉम आपकी फ्रेंड सिल्वी।